चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है कोटड़ा भादली। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इसे विस्तार से जानेंगे और हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। इसके बाद अंत में हम इस विषय से संबंधित प्रश्न पर विचार करेंगे। यह विषय चर्चा में क्यों है? वर्ष 2020 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के 100 साल पूरे हो गए हैं। एक नए अध्ययन से पता चला है कि हड़प्पा वासी डेयरी उत्पादों का उत्पादन भी करते थे। यह प्रमाण वर्तमान गुजरात के एक छोटे से पुरातत्व स्थल कोटड़ा भादली से मिला है। अब इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। 2500 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का एक पुरातत्व स्थल कोटड़ा भादली गुजरात में स्थित है। यहाँ से प्राप्त बर्तनों के 59 टुकड़ों के अध्ययन का परिणाम चौंकाने वाला रहा, क्योंकि इन बर्तनों पर मौजूद अवशेषों का विश्लेषण यह बताता है कि हड़प्पा वासी डेयरी उत्पादों में भी शामिल थे। अध्ययन में यह पाया गया है कि यहाँ दूध को उबाला और इस्तेमाल किया जाता था। एक छिद्रित बर्तन भी मिला है जिसका उपयोग यूरोप वासी पनीर बनाने के लिए करते थे। अध्ययन में जीवाश्म के दांत के अध्ययन से इस क्षेत्र में पाए जाने वाले मवेशियों में पानी की भैंस, बकरी और भेड़ के होने के साक्ष्य मिले हैं। प्रारंभिक अध्ययन में दिखता है कि ज्यादातर मवेशी और पानी भैंसों की मृत्यु एक बड़ी उम्र में हुई। संभवतः ये दुग्ध उत्पादन के लिए पाले जाते थे। पशुओं का बड़ा झुंड यह इंगित करता है कि दूध अधिशेष में उत्पादित किया गया था, ताकि इसका आदान प्रदान हो सके और बस्तियों के बीच किसी प्रकार का व्यापार हो सके। यह डेयरी के एक औद्योगिक स्तर की ओर इशारा करते हैं। अब बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल में चला। इसके प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली शामिल है। यह सभ्यता अपने विशिष्ट जल नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में मकरान समुद्र से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। अब ये रहा हमारा आज का प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, वर्तमान हरियाणा के एक छोटे से पुरातत्व स्थल कोटड़ा भादली से दुग्ध उत्पादन एवं उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। कथन दो, इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। कथन तीन, यह सभ्यता अपने विशिष्ट जल नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त में सत्य कथन है। विकल्प ए, एक और दो, विकल्प बी, दो और तीन, विकल्प सी, एक और तीन, विकल्प डी, एक, दो और तीन। कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछली वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।